नमस्कार, आप देख रहे हैं एनडीटीवी राजस्थान। मैं हूं आपके साथ मनी शर्मा। बुलेटिन में बात कर लेते हैं बारिश से जारी आफत की। तस्वीर आपके सामने रखेंगे तीन अलग अलग शहरों की, जो बारिश और बाढ़ के कहर की तस्वीरें आपके सामने रख रहे हैं। ये देखिए किस तरीके से सड़कें जो हैं समंदर में तब्दील होती हुई नजर आ रही हैं। इतना पानी है कि अगर कोई यहाँ से गुजरेगा तो निश्चित तौर पर बहता हुआ चला जाएगा। और ये तीन तस्वीरें इस बात की गवाही दे रही हैं कि किस तरीके से जो बारिश है वो आफत लेकर आई है। पहली तस्वीर है मारवाड़ जंक्शन के बिठौड़ा गांव की। यहां पर एक 45 साल का व्यक्ति नदी में नहाने उतरा, लेकिन बहाव तेज होने के चलते पानी में बह गया। देखते देखते ये शख्स पानी के तेज बहाव में कहीं खो गया, इसका पता अब तक नहीं चल पाया है। तस्वीर दूसरी है बांडी नदी की, जहाँ एक महिला डॉक्टर अपनी कार समेत पानी में उतर गई। तेज प्रवाह होने के चलते कार भी पानी में बह गई, लेकिन वक्त रहते लोगों ने रस्सी फेंक कर महिला को बचा लिया। और तीसरी तस्वीर है पाली शहर से गुजरने वाली बांडी नदी की, जहां तेज वेग से बह रही नदी का पानी पुलिया से गुजर रहा है। इससे होकर बाइक और कार पार हो रहे हैं, लेकिन यहां बैरिकेडिंग नहीं है, पुलिये पर ट्रैफिक भी ज़्यादा है। और इस बीच एक बाइक सवार तेज गति से पुलिये को पार करने लगा, लेकिन तेज बहाव के चलते वो बाइक समेत पानी में ही बह गया। गनीमत तो ये रही कि ट्रैक्टर चालक ने रस्सी फेंक कर उसे बचा लिया। ये तीन तस्वीरें लापरवाही की कहानी जो है बयां कर रही हैं। आप किस तरीके से यहाँ पर देख पाएंगे कि लोग लापरवाही खुद कर रहे हैं और हादसे का शिकार हो रहे हैं। एक व्यक्ति नदी में नहाने के लिए उतरा, ये जानकर भी कि नदी का बहाव इतना ज़्यादा है कि अगर इसमें कोई उतरेगा तो बहता हुआ जाएगा, और वही हुआ। हालांकि समय रहते इस व्यक्ति को बचा लिया गया। और ये पूरा घटनाक्रम कैमरे में कैद हो गया। और ये तस्वीरें तीन अलग अलग शहरों की, सावधानी हटी और दुर्घटना घटी, ये गवाही दे रही हैं तीन तस्वीरें अलग अलग शहरों के, आपके सामने में रख रही हूँ। तो आप देख पाएंगे नदी में ये व्यक्ति डूब गया, एक कार नदी में बह गई और बाइक नदी में बहती हुई चली गई है। तो देखते रहिए कि देखिए ये तस्वीर आपके सामने मैं रख रही हूँ, गाड़ी समेत ये व्यक्ति बहता हुआ चला गया। यहाँ पर वो तो समय रहते लोगों ने खींचकर इस व्यक्ति को बाहर निकाला। नहाने ये व्यक्ति उतरा था इस नदी में, बावजूद ये जानने के कि बहाव ज़्यादा है नदी का, अगर इसमें कोई उतरेगा तो उसकी जान जाना तय है। ऐसे में लापरवाही की इंतहा आप देखिए कि नहाने के लिए व्यक्ति उतरा इस नदी में और गाड़ी समेत बहता हुआ चला गया। यहाँ लोगों तो समय रहते इस व्यक्ति को बचा लिया गया। ये तस्वीर आपके सामने रख रहे हैं मारवाड़ जंक्शन की बिठौड़ा गांव नदी की, जहां पर एक 45 साल का व्यक्ति नहाने उतरा, पानी तेज होने के चलते बहता हुआ चला गया और पानी के तेज बहाव में कहीं खो गया, जिसका अभी तक पता नहीं चल पाया है। तस्वीर दूसरी है बांडी नदी की, जहां पर महिला डॉक्टर अपनी कार समेत पानी में उतरी, तेज प्रवाह होने के चलते कार भी पानी में बह गई, लोगों ने रस्सी फेंक कर महिला को बचा लिया। और तीसरी तस्वीर आपके सामने मैं रख रही हूँ पाली शहर से गुजरने वाली बांडी नदी की, जहाँ तेज वेग होने के चलते यहाँ पर बह रही नदी का जो पानी है पुलिया से गुजर रहा है, और इसी से होकर बाइक और कार पार हो रही है। बैरिकेडिंग यहाँ पर नहीं है और पुलिया पर ट्रैफिक भी ज्यादा है। और इस बीच मेरे साथ सहयोगी जयेश इस वक्त मौजूद है। जयेश, तस्वीरें हम पाली की देख पा रहे हैं कि नदी में पानी का बहाव ज़्यादा है, यहाँ से होकर लोग गुजर रहे हैं, लेकिन ना तो कोई बैरिकेडिंग की व्यवस्था की गई है। ये लापरवाही जिस तरीके से सामने आ रही है, बैरिकेडिंग की व्यवस्था नहीं की गई है, इस पर कोई अब तक एक्शन लिया गया है? जी देखिए, ये जो हम दर्शकों को जो तस्वीरें बताई थी, जिसमें दो तो पाली शहर की है बाड़ी नदी, जिसमें एक महिला डॉक्टर व एक बाइक चालक को समय रहते बचा लिया गया। और वही तीसरी तस्वीर जो है वह है मारवाड़ जंक्शन के बिठौड़ा गांव की, जहां एक 45 वर्षीय युवक पानी में नहाने के लिए उतरा और पानी के तेज बहाव में बह गया। अगर हम पाली शहर की सबसे पहले बात कर लेते हैं, तो बैरिकेड उस समय लगाए गए जब ये दो घटनाएं हो गई। अगर समय रहते बैरिकेड या पुलिस का कोई जवान वहां पर तैनात रहता तो शायद ये घटनाएं नहीं होती या लोगों को पानी में उतरने से रोका जा सकता था। लेकिन सबसे बड़ी बात यह भी है कि लोग अपनी जान को लेकर लापरवाह बने हुए हैं, क्योंकि जिस तरह से वो पानी में उतर रहे हैं, इतने तेज वेग से नदियां बह रही है, तो कहीं ना कहीं उनको भी इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए
जिस प्रकार की स्थिति बनी हुई है, तो बहते पानी में ना तो वाहन उतारे और ना ही वो खुद बहते पानी से गुजरे। तो क्या ये सिलसिला ऐसे ही जारी रहेगा जिस तरह से आप बता रहे हैं कि बैरिकेटिंग की नहीं है, यहाँ पर कोई साइन बोर्ड नहीं है कि लोगों को बता दिया जाए या लोग खुद ही यहाँ पर सावधान हो जाए कि साहब पानी का बहाव ज्यादा है, अगर इसमें से होकर गुजरेंगे तो हमारी जान जाना तय है, तो इस तरह की कोई व्यवस्था नहीं की गई है? कि अगर नहीं की गई तो उनके खिलाफ एक्शन क्यों नहीं लिया जा रहा है फिर? जी देखिए, घटना होने के बाद लगभग प्रशासन ने वहां पर बैरिकेड की व्यवस्था की गई है। अगर हम बाड़ी नदी पुलिया की बात करें तो ये जो निचला पुलिया है, ये उसके ऊपर जो पानी चल रहा है, इसके ऊपर जो एक और पुलिया है जहां पर आने जाने की जो व्यवस्था की गई है, लेकिन स्थिति ये बनी हुई है कि वहां पर ट्रैफिक की स्थिति ये हो गई है कि आधे किलोमीटर भी जाने के लिए कम से कम 1.5 से 2 घंटे का समय लग रहा है। तो कहीं ना कहीं ट्रैफिक जाम होने की वजह से लोग इस तरह के कदम उठा रहे हैं। निश्चित तौर पर इस तरह के कदम उठा रहे हैं, लेकिन ये कदम जानलेवा भी तो साबित हो रहे हैं ना जयेश, तो इसको रोकने के लिए भी तो प्रशासन को तैयारी करनी होगी ना? जी बिल्कुल, फिलहाल प्रशासन ने वहां पर बैरिकेड लगाकर रास्ते को बंद करवा लिया है ताकि कोई भी नदी को पार करने की कोशिश नहीं करे। और रही दूसरी, अगर हम मारवाड़ जंक्शन की बात करें, बिठोड़ा गांव में जो युवक वहां था, वहां पर देर शाम ये घटना हुई थी, उसके बाद रात्रि के कारण सर्च ऑपरेशन रोक दिया गया और एक बार फिर से उस 45 वर्षीय व्यक्ति की जो तलाश है वो शुरू कर ली गई है, लेकिन फिलहाल उसका अभी तक कोई भी सुराग नहीं लगा है, ये भी एक बड़ी बात है। बिल्कुल निश्चित तौर पर, लेकिन इस तरह की तस्वीरें लगातार जो है पाली से सामने आ रही है जयेश, तो इस पर क्या कह रहा है प्रशासन? क्योंकि सड़कों पर पानी भरा हुआ है, जलभराव की स्थिति पैदा हो रही है, लगातार बारिश का सिलसिला जारी है, लापरवाही सामने आ रही है, लापरवाही प्रशासन की भी है, आम जनता की भी लापरवाही सामने आ रही है, तो इस पर क्या कहना है प्रशासन का? क्योंकि बारिश का दौर तो आगे भी जारी रहने वाला है, तो ऐसे में क्या आगे तैयारी यहाँ पर करती प्रशासन नजर आ रहा है? जी बिल्कुल, प्रशासन ने फिलहाल अपील की है लोगों से बहते पानी उतने से साफ किया है। और इसके साथ कल प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौर का भी पाली दौरा था, तो उन्होंने भी कलेक्टर कार्यालय में बैठक का आयोजन किया, जहां पर उन्होंने भी सख्त निर्देश दिए हैं कि जिस प्रकार की जो व्यवस्था की गई उनमें जल्द से जल्द सुधार लाए, जिसके लिए उन्होंने मात्र 2 या 3 दिन का समय दिया है। अगर उनका ये भी कहना था कि अगर 2-3 दिन के अंदर अगर व्यवस्था सही नहीं होती है तो जिस संबंधित अधिकारियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। चलिए ठीक है, शुक्रिया आपका जयेश तमाम जानकारी के लिए। और ये तस्वीर आपके सामने मैं रख रही हूँ, आप भी देख पाएंगे कि किस तरीके से पानी का बहाव इतना ज़्यादा है नदी में कि गाड़ी बीच रास्ते में फंस गई है। और एक तस्वीर आपके सामने लेकर आए हैं जहाँ पर एक युवक जो है पानी में बहता हुआ चला गया, नदी में नहाने के लिए उतरा था, ये जानने के बावजूद भी कि नदी में पानी का बहाव इतना ज़्यादा है कि अगर नहाने के लिए उतरा तो वापस आना बहुत मुश्किल हो जाएगा। वही हुआ है कि युवक पानी के तेज बहाव में बहता हुआ चला गया और कहीं खो गया। महिला गाड़ी समेत बहती हुई चली गई, हालांकि महिला को रेस्क्यू कर लिया गया, महिला को बचा लिया गया। तो NDTV राजस्थान भी अपील कर रहा है कि इस तरह की लापरवाही कतई ना बरतें, क्योंकि बारिश लगातार हो रही है, नदी में बहाव ज्यादा है पानी का, तो आपकी छोटी सी लापरवाही आपके लिए जानलेवा साबित हो सकती है। और अभी 4 तस्वीरें भी देख लीजिए। पहली तस्वीर में आप देख पाएंगे कि घरों तक में पानी इतना भर चुका है कि घुटनों तक पानी भरा हुआ है। सोचिए, अब बर्तनों से पानी बाहर निकाला जा रहा है, इतना पानी यहाँ पर भरा हुआ है, ये हालात बने हुए हैं राजस्थान में। ये तस्वीर दूसरी आपके सामने में रख रही हूँ, नदी का इतना बहाव ज्यादा है कि देखिए आपको ये व्यक्ति जो है यहाँ से बहता हुआ नजर आ रहा होगा पानी के तेज बहाव में। तस्वीर दूसरी आप देख पाएंगे, ये महिला गाड़ी समेत बहती हुई चली गई, महिला को रेस्क्यू कर लिया गया। ये चौथी और आखिरी तस्वीर भी आप देख लीजिए, गाड़ी बीच रास्ते में फंस गई है, पुलिया पार करने की कोशिश यहाँ पर हो रही थी। तो ये लापरवाही कतई ना करें, प्रशासन भी अपील कर रहा है और NDTV राजस्थान भी आपसे अपील कर रहा है। और पड़ गया